क्या आप भी उन लोगों में से हो जो बहुत सारे ऑडिशन दे चुके हैं बट अभी भी आपको डांस के सिलेक्शन में सक्सेस नहीं मिली? तो यह वीडियो आपके लिए ही है, इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिए। तो मेरा नाम है यमन और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे एक डांस कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट हो सकते हो और उस सिलेक्ट होने के बाद उस डांस कॉम्पिटिशन को जीत भी सकते हो। तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा और ये टिप्स आपको छोटे डांस कॉम्पिटिशन से लगाकर बड़े डांस रियलिटी शोज में काम आने वाली है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर फर्स्ट, यूनिक डांस स्टाइल। आपको सिलेक्ट होने के लिए यूनिक होना होगा, आपको एक यूनिक डांस स्टाइल करनी होगी। यूनिक डांस स्टाइल का मतलब यहाँ पर यह है कि ऐसी डांस स्टाइल जो अभी तक लोगों ने नहीं देखी है, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। अब क्वेश्चन ये है कि यूनिक डांस स्टाइल कैसे क्रिएट करें? तो यूनिक डांस स्टाइल क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी होगी और इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं और इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने में आपको सालों लग जाएंगे, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसका एक शॉर्ट वे भी है, यदि आप ये करते हो कि अभी हम इंडिया में और अब इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी डांस स्टाइल है जो अभी तक नहीं आई है, उसे ढूंढ लेते हो और उसे ढूंढ कर सीख लेते हो, और सीखने के बाद आप किसी भी डांस कॉम्पिटिशन में जाके परफॉर्म करोगे तो आप इजीली सिलेक्ट हो जाओगे। अब ऐसा भी हो सकता है, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे कि मान लीजिए यदि आपको ऐसी कोई सी डांस स्टाइल नहीं मिलती, यदि मिल जाती है तो हो सकता है कि वो डांस स्टाइल इतनी अजीब हो या फिर इतनी डिफरेंट हो कि आपको वो पसंद ना हो, या हो सकता है यदि आपको वो पसंद भी आ जाए तो उसके सीखने के लिए आपको जो प्रॉपर गाइडेंस चाहिए वो आपको नहीं मिले। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आप इन फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना होगा जब आप ये चीज़ यूनिक डांस स्टाइल को सीखने की कोशिश करोगे। अब इस कंडीशन में आपके पास लास्ट तरीका ये है कि आप दो या उससे ज़्यादा डांस स्टाइल को मिलाकर एक अपनी डांस स्टाइल क्रिएट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आपने बोन ब्रेकिंग और टटिंग को मिला सकते हो। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो बोन ब्रेकिंग है वो खुद ही एक यूनिक डांस स्टाइल है, यदि आप उसे सीखते हो तो आप क्राउड से पहले ही हट कर अपने एक इमेज क्रिएट कर लेते हो। तो यदि आपको बोन ब्रेकिंग सीखना है और यदि आपको बोन ब्रेकिंग का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं जो कि बिगनर्स के लिए बनाया गया है, और ये कोर्स की जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, ये सिर्फ आपको 2000 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो 2000 रुपये हैं इसमें हम आपको 3 महीने का सपोर्ट देंगे, जिसके अंदर मैं आपसे 3 महीने लगातार टच में रहूँगा और आपकी जो भी क्वेश्चन होंगे उनको मैं सॉल्व करता रहूँगा। और ये जो हमारा कोर्स है वो वीडियो ट्यूटोरियल के रूप में है, तो आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल हमेशा के लिए अवेलेबल होंगे, आपको ये लाइफ टाइम वीडियोस मिलेंगे। एक एग्जांपल ये भी है कि यदि आपको कंटेम्प्रेरी अच्छा लगता है तो आप उसमें टटिंग को मिक्स कर सकते हो। इस तरीके से आप दो या उससे ज़्यादा डांस स्टाइल को मिलाकर अपनी एक डांस स्टाइल बना सकते हो। इस तरीके से आप अपना ही एक नाम क्रिएट कर सकते हो डांस की फील्ड में। मास्टरी ऑन वन स्टाइल, इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लीजिए कि ये होगा कि आपको जो यूनिक डांस स्टाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा नहीं लग रहा, या आपको आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक यूनिक डांस स्टाइल को सीखने में टाइम खर्च कर सको, तो आप ये कर सकते हो कि जो भी आप डांस स्टाइल अभी कर रहे हो उसी के मास्टर बन जाओ। आपको जो डांस स्टाइल अच्छी लगती है उसमें आपको इतना अच्छा करना है, उस पर इतनी अच्छी कमांड करना होगी कि आपके जैसा कोई दूसरा कॉम्पिटिटर उस डांस स्टाइल को नहीं कर पाए। डांस के अंदर जब हम डांस के कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो एक ही जो कॉमन डांस स्टाइल है उन्हीं के आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि वो भी वो सेम डांस स्टाइल करते हैं, बट अब उनमें से क्या होगा कि आप यदि सबसे अच्छी कर रहे हो तो आपको इजीली सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एज्यूम कीजिए कि आप एक डांस के कॉम्पिटिशन में गए हो और उस डांस कॉम्पिटिशन में सेम आपके जैसे डांस स्टाइल को करने वाले बहुत सारे लोग आए हैं, और हो सकता है कि आपको ऐसे भी लोग मिल जाए वहाँ पे जो कि आपके बराबर का कैलिबर रखते हों, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपको कोरियोग्राफी मदद करेगी। यदि आपने आपके डांस स्टाइल की कोरियोग्राफी बहुत अच्छी करी है तो बिलीव करिए कि आपका ही सिलेक्शन होगा, भले वो आपसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा डांसर हो, और उसकी कोरियोग्राफी आपसे यदि बिलो है, यदि उसकी कोरियोग्राफी आपसे बेहतर नहीं है तो आपको मौका दिया जाएगा बजाय उसके। कोरियोग्राफी यदि आप अच्छी कर रहे हो तो उसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यदि कोरियोग्राफी यूनिक होती है तो जो जजेस होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो यूनिक कोरियोग्राफी है, जो कि आपको एक नयापन जो बोलते हैं कि नयापन जिसके अंदर होना चाहिए वो आपके अंदर होगा यदि आपकी कोरियोग्राफी यूनिक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम यूनिक कोरियोग्राफी कैसे क्रिएट करें? तो इसका एक तरीका ये है कि जैसे कि हर डांस स्टाइल में
कुछ कैटेगरी के म्यूज़िक यूज़ किए जाते हैं, तो आप चाहे तो उस कैटेगरी के म्यूज़िक को ना चूज़ करके किसी दूसरे कैटेगरी के म्यूज़िक को चूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप यदि क्लासिकल डांसर है और आप क्लासिकल को देखिएगा, यदि क्लासिकल डांसर वेस्टर्न सॉन्ग पर परफॉर्म करता है तो वो एक अंदर अपने ही अंदर एक यूनिकनेस क्रिएट करता है। तो ये आप भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा कि आप वेस्टर्न डांस परफॉर्म करते हैं तो आप क्लासिकल म्यूज़िक का यूज़ कर सकते हो और उसी क्लासिकल म्यूज़िक पे अपनी कोरियोग्राफी सेट कर सकते हो जो कि एकदम यूनिक होगा। तो ये चीज़ आपको बेनिफिट देगी जब आप डांस के कॉम्पिटिशन में होंगे। टिप नंबर 4th, किल द बीट। इसका मतलब ये है, यदि आपने चाहे आपने यूनिक डांस स्टाइल चूज़ करी हो या फिर आप किसी डांस स्टाइल के मास्टर हो या आपने बहुत अच्छी कोरियोग्राफी की हो, बट यदि आप बीट पे डांस नहीं कर रहे हो तो इस तीनों चीज़ का कोई मतलब नहीं होगा। म्यूज़िक पर आप डांस नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि जो जजेस होते हैं वो यही देखते हैं कि बीट पे डांस कौन कर रहा है। यदि आपकी कोरियोग्राफी एवरेज है, यदि आप एक अच्छे मास्टरी हासिल करिए बट आपकी जो कोरियोग्राफी है वो एवरेज है, तो उस केस में यदि आप बीट पर डांस कर रहे हो तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा ईजीली, क्योंकि जो बीट पर डांस करता है वो ज़्यादा अच्छा डांसर माना जाता है। ठीक है, तो आपको बीट पे डांस करना होगा, आपको हर एक बीट को पकड़ना है और हर एक बीट पे डांस करना है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए जब आप कोरियोग्राफी सेट करोगे तब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और उस टाइम पर आपको यह देखना है कि आप कोई किसी भी बीट को ना छोड़ो। तो कोरियोग्राफी होती भी इसीलिए है ताकि हम किसी भी बीट को ना छोड़ें, और आपको ये ध्यान भी रखना होगा कि जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो आप किसी भी बीट को ना छोड़ो। टिप 5, वर्सटाइल डांसर। इसका मतलब है आपको वर्सटाइल डांसर बनना होगा यदि आप किसी भी डांस शो में जाना चाहते हो। बहुत सारे डांस शो ऐसे होते हैं जिसमें पर्टिकुलरली एक डांस स्टाइल को ही आपको आगे बढ़ाना होता है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जहां पर आपको एक डांस स्टाइल नहीं जबकि आपको एक वेराइटी ऑफ डांस आपको दिखाना है, तो उस कंडीशन में आपको वर्सटाइल डांसर बनना होगा। और वैसे भी एक डांसर को वर्सटाइल होना ही चाहिए और कभी भी किसी भी कोरियोग्राफी पे आप डांस कर पाओगे, तो ये एक बेनिफिट होगा। यदि बहुत बार क्या होता है कि यदि हम जैसे कि एक ही डांस स्टाइल में यदि हम एक डांस स्टाइल को पकड़ के मास्टरी हासिल कर लेते हैं, फिर उसके अंदर यूनिकनेस लाना बार बार थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट यदि आप एक डांस स्टाइल नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारी डांस स्टाइल कर रहे हो, तो आपके लिए क्या होगा कि आप थोड़ा थोड़ा सबका लेकर एक अपना यूनिक बना सकते हो। इसमें क्या होगा आपको कि आपको ये नहीं सोचना होगा कि मेरे पास टाइम कम है, और जिस दिन आपके पास टाइम कम होगा उस टाइम पीरियड में आपको वर्सटाइलिटी की जो आपकी एबिलिटी है वो आपको फ़ायदेमंद साबित होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और उन लोगों के साथ खास तौर पर शेयर कीजिए जो कि डांस करते हैं, जो डांसर है और जो कि ऑडिशन दे रहे हैं, उनके ऑडिशंस में ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।